हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अदिति जीएस सेंटर एंड लेट्स बिगिन विद अवर लेसन दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दिस चैप्टर इज ऑफ 8th स्टैंडर्ड एंड इट्स सब्जेक्ट इज द हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास के स्रोत। सो दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स एंड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट वन पार्ट। सो नाउ वी विल बिगिन विद अवर सेकेंड वन पार्ट। सो द सेकेंड वन पार्ट कंसिस्ट ऑफ जस्ट ओनली द वन पॉइंट दैट इज द ओरल सोर्सेज, बट द ओरल सोर्सेज consisted of the 6 points. We will going to learn about all that 6 points. So let's begin with our third one point, that is the oral sources, yani maukik strot. Folk songs yani lokagit, povadas, folk tales yani lokkatha, narrations yani kathan, interviews yani sakshatkar, and fairs, jalsa, art groups yani kala samuha, and the rhythmic prose yani matlab ovi hota hai, and inspirational songs yani prernadayak geet. These are the following sources which are included in the oral sources of the modern Indian history. तो ये सभी जो स्रोत होते हैं ये आधुनिक भारतीय इतिहास के मौखिक स्रोत में शामिल होते हैं। सो नाउ वी विल बिगिन विद अवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ओरल सोर्सेज, दैट इज द इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स यानी प्रेरणादायक गीत। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड एंड एट द प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म, बट देर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स। तो स्वतंत्र आंदोलन के अवधि के दौरान कई सारे प्रेरणादायक गीत जो होती है उसकी रचना की गई थी, और वर्तमान में इसमें से कौन से जो गीत होते हैं ये हमको लिखित रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे प्रेरणादायक गीत जो होते हैं जिसे कि अभी छपवाया नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, लेकिन वो हमारे स्वतंत्र सेनानियों द्वारा याद किया गया जाता है। Through these inspirational songs, we get the information about the conditions during the pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. तो इन inspirational songs यानी इन प्रेरणादायक गीत के द्वारा हमको स्वतंत्रता के पहले के जो मतलब conditions थी, परिस्थिति थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है और स्वतंत्रता संग्राम के पीछे की भावना को भी समझा जा सकता है। So our first point, inspirational song, it is get completed. So now we will see about our second one point, that is the povada. The povada is the important source which gives us information about the historical events or the work of the persons, and there were various povadas composed on the freedom struggle of 1857 and the work of the revolutionaries during the British rule, etc. And the povadas create the motivation and spirit among the people. तो पोवाड़ा जो होते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जो कि हमको ऐतिहासिक घटना या किसी व्यक्ति के कार्य या काम के बारे में जानकारी देता है, और ऐसे कई सारे पोवाड़ास की रचना की गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के दौरान जो क्रांतिकारियों की वीरता, इस पर पोवाड़ास बनवाए गए थे, और पोवाड़ास जो होते हैं ये लोगों के बीच में प्रेरणा और भावना निर्माण करते हैं। Apart from the freedom movement, the povadas were also composed based on the Satyashodhak Samaj for awakening among the oppressed classes and Samyukta Maharashtra and such other events. तो स्वतंत्र आंदोलन को छोड़कर जो सत्याशोधक समाज ने जो कार्य किया है उत्पीड़ित क्षेत्रों को जागरूक करने के लिए, इस पर भी पोवाड़ास बनवाए गए थे, और संयुक्त महाराष्ट्र और ऐसे कई सारे घटनाओं पर भी पोवाड़ास बनवाए गए थे। सो अवर सेकेंड वन पॉइंट, दैट इज द पोवाड़ा इज ऑल्सो गेट कम्प्लीटेड। सो नाउ वी विल बिगिन विथ अवर थर्ड वन पॉइंट, दैट इज द वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज यानी वीडियो श्रव्य और दृश्य श्रव्य स्रोत। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी देर वॉज द डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ द फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म एक्सेट्रा, एंड ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, फिल्म कैन बी यूज एज द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। तो फोटोग्राफ्स यानी हम मोबाइल या कैमरे द्वारा जो फोटो खींचते हैं वो फोटोग्राफ्स, और रिकॉर्डिंग यानी जो हम हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है रिकॉर्डिंग। तो आधुनिक अवधि के दौरान तकनीक के विकास के कारण जो कला थी फोटोग्राफी की, रिकॉर्डिंग की, फिल्म की, ये कला का भी विकास हुआ था, और स्पष्ट रूप से ये जो फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड और फिल्म जो होते हैं उसे इतिहास के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सो अवर थर्ड पॉइंट, वीडियो ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज इज गेट कम्प्लीटेड। नाउ वी विल सी अबाउट अवर फोर्थ वन पॉइंट, दैट इज द फोटोग्राफ्स। The photographs are the visual source of the modern Indian history.
with the discovery of the art of the photography. The photographs of the person, events, place, objects and structures were clicked. And through these photographs, we get the information about the person or an event in the visual format. तो फोटोग्राफ्स जो होते हैं ये एक दृश्य स्रोत होते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का। और जैसे ही जो फोटोग्राफी की कला है उसका विकास हुआ तो कई सारे व्यक्तियों की, घटनाओं की, जगह की, वस्तुओं की और संरचना की ऐसे सभी जो फोटोज थे उसे निकाले गए थे, क्लिक किए गए थे। और इस फोटोग्राफ्स के द्वारा हमको किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है दृश्य प्रारूप में। एंड इन केस ऑफ द मेडिवल पीरियड देयर वर द पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द पर्सन एंड द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग्स आर डाउटफुल कंपैरेटिवली द फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोर रिलायबल। तो मतलब मध्यकालीन अवधि में जो पेंटिंग्स थे, मतलब अगर किसी को अपना फोटो चाहिए तो वो चित्रकार को बुलाते थे और अपनी पेंटिंग निकलवाते थे, क्योंकि उस समय में मोबाइल या कैमरा जैसे जो स्रोत मतलब सामग्री जो होती थी, ये सब जो मोबाइल और कैमरा होते थे ये तभी उपलब्ध नहीं मिलते थे, तो वो चित्रकार को बुलाकर अपनी पेंटिंग निकालते थे। तो वैसे ही मतलब मध्यकालीन अवधि में यानी शिवाजी महाराज जी के वक्त में पेंटिंग्स यानी जो पेंटिंग्स थी ये उपलब्ध मिलती थी, जो कि किसी व्यक्ति के भौतिक विशेषता को दर्शाते हैं या किसी घटना के जो मतलब दृश्य विवरण होते हैं उसको दर्शाते हैं। लेकिन ये जो पेंटिंग्स होती है, ये जो उनकी सत्यता होती है इन पेंटिंग्स की, इसे डाउटफुल यानी अनिश्चित माना जाता है। और तुलनात्मक रूप से जो फोटोग्राफ्स होता है उसे बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है, जो कि हम मोबाइल या कैमरा द्वारा खींचते हैं वो फोटोग्राफ्स। एंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द पर्सन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर एंड ड्रेसिंग स्टाइल एंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द इवेंट गिव्स अस द विजुअल image of that event, whereas the photograph of the object or the structure helping us to understanding its nature. तो अगर किसी व्यक्ति का फोटो होता है तो वो जो फोटो होता है वो हमको उस व्यक्ति के भौतिक विशेषताएं या उसके जो मतलब कपड़े पहनने की शैली होती है उसके बारे में जानकारी देता है। और अगर किसी घटना का जो मतलब फोटो होता है तो उस घटना के हमको दृश्य चित्र के बारे में हमको उस चित्र प्राप्त मिलता है, उस दृश्य चित्र, उस घटना का दृश्य चित्र प्राप्त मिलता है। या अगर किसी वस्तु या किसी संरचना का फोटो होता है तो वो जो फोटो होता है वो हमको उस मतलब वस्तु या संरचना के जो प्रकृति है उसे समझने में मदद करता है। सो आवर फोर्थ वन पॉइंट फोटोग्राफ्स इज ऑल्सो गेट कम्प्लीटेड। So now we will see about our fifth one point, that is the recordings. The discovery of the technique of the recording was also as important as the photographs. And the recording is the form of the audio source of the history. तो जो discovery होती है, जो खोज होती है recording की तकनीक की, वो photography जितना ही महत्वपूर्ण होता है। और जो recording होता है उसे audio source यानी श्रव्य स्रोत, इतिहास के श्रव्य स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। And during the modern period, the speeches of the leaders, important personalities, songs, etc. were available in the form of the recordings. And they can be used as the source of the history. For example, the national anthem Jana Gana Mana, sung by the Rabindranath Tagore ji, and the speeches of the Subhash Chandra Bose himself can be available in the form of the recordings for the study of the modern Indian history. तो आधुनिक अवधि के दौरान जो मतलब भाषण थे महान व्यक्तियों के, महान नेताओं के या महत्वपूर्ण लोगों के, और उनके जो गाने थे ये हमको रिकॉर्डिंग के रूप में पाए जाते हैं और उनको इतिहास के स्रोत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा जो राष्ट्रगान होता है जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया है, और जो भाषण होते हैं सुभाष चंद्र बोस के, तो उनके जो भाषण होते हैं ये हमको ऑडियो सोर्स के रूप में पाए जाते हैं यानी श्रव्य स्रोत के रूप में पाए जाते हैं, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास की पढ़ाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो आवर फिफ्थ वन पॉइंट रिकॉर्डिंग्स इज ऑल्सो गेट कम्प्लीटेड। नाउ वी विल सी अबाउट आवर सिक्स्थ वन पॉइंट, दैट इज द फिल्म्स। The films are considered to be the unique discovery of the modern technology. And in the 20th century, there was a great development in the technique of the filmmaking. तो films जो होती है, उसे आधुनिक तकनीक की एक बहुत ही अनोखी खोज मानी जाती है। और 20th century में जो film निर्माण करने की तकनीक थी, उसे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर किया गया जाता था।
दादा साहेब फाल्के इन ईयर 1913 लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड द ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ द डांडी यात्रा सॉल्ट सत्याग्रह क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल एंड थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन द रियलिटी। तो दादा साहेब फाल्के ने वर्ष 1913 में जो भारतीय फिल्म उद्योग है उसका निर्व किया था और जो दृश्य श्रव्य जो मतलब रिकॉर्डिंग होती है डांडी यात्रा सॉल्ट सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे कई सारी ऐतिहासिक घटना जो कि हमको उपलब्ध मिलती है और इन फिल्म के द्वारा ये जो घटना होती है हम उसे वास्तविक में देख सकते हैं। एंड कंपेयर टू द एंशियंट एंड द मेडिवल पीरियड द सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज अवेलेबल इन द एबंडेंस एंड इन द वैरायटी and the archaeological source of this period are to a great extent found in the better state and there are many written sources preserved in the archives। तो अगर हम प्राचीन या मध्यकालीन अवधि की तुलना करें तो जो स्रोत होते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के ये हमको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही विविधता में पाए जाते हैं और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इस अवधि के ये हमको कुछ हद तक अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं और जो मतलब ऐसे कई सारे लिखित स्रोत जो होते हैं जो कि आर्काइव्स यानी अभिलेखागार में संरक्षित हुई होती है। बट वाइल रिफरिंग द रिटन सोर्सेज द आइडियोलॉजी एंड द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट शुड बी मीन्स द पर्टिकुलर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एंड देर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच अ रिच इंडियन ट्रेडिशन ऑफ द हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर द नेक्स्ट जनरेशन। तो जब भी हम जो लिखित स्रोत होते हैं उसका जिक्र करते हैं तो जो आइडियोलॉजी यानी जो विचारधारा होती है और जो राय होती है ऑथर की यानी लेखक की इसको इसकी जांच करना मतलब उनकी राय लेना ये बहुत ही ज़रूरी होती है जब भी हम लिखित स्रोत का जिक्र करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो ऐतिहासिक स्रोत होती है उसको सुरक्षित रखना ये बहुत ही ज़रूरी होती है जिससे कि जो मतलब समृद्ध परंपरा होती है हमारे इतिहास की वो हम नए जनरेशन अगले जनरेशन को सौंप दिया जा सकता है। सो अवर सिक्स्थ वन पॉइंट फिल्म्स इज ऑल्सो गेट कम्प्लीटेड। सो दिस वॉज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच इज फुली गेट कम्प्लीटेड। इन इट वी हैव लर्न अबाउट अवर थर्ड वन पॉइंट दैट इज द ओरल सोर्सेज। वी हैव सीन दैट द फोक सॉन्ग्स पोवाडास फोक टेल्स नरेशंस इंटरव्यूज फेयर्स जलसा आर्ट ग्रुप्स एंड द रिथमिक प्रोज मीन्स द ओवीज इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स ऑल दिस सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन इट वी हैव सीन अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड एंड थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। देन सेकेंड one point we have seen that was the Powadas. The Powadas is a source for getting the information about the historical events or the work of the person and this Powadas create the motivation and spirit among the people. Then third one point we have seen about the video audio and audio visual sources. In it we have seen that during the modern period due to the development of the technology there was the development in the art of the photography painting films etc. Then we have seen about our fourth one point that is the photographs. We have seen that the photographs are the visual source of the modern Indian history and with the discovery of the art of the photography the photographs of the person event places objects and structure were clicked and through these photographs we get the information about the persons or the events in the visual format and etc. Then we have seen about our fifth one point that is the recordings. In it we have seen that the discovery of the technique of the recording was also as important as the photography and the recording is the form of the audio source of the history and during the modern period the speeches of the great personalities and the leaders and their songs etc. were available in the form of the recordings. Then we have seen about our last one point sixth one point that is the films. In it we have seen that the films are considered to be the unique discovery of the modern technology and Dada Saheb Phalke in year 1913 led to the foundation of the Indian film industry and the audio visual recordings of the Dandi Yatra Salt Satyagraha and Quit India movement and such other historical incidents are available and through these films the events could be seen in reality. So our second part of the chapter sources of history is get completed yani itihas ke strot। जय हिंद।